कल से शुरू हुआ DIT Little Masters का फाइनल ऑडिशन। सुपर विंग्स जीतने वाले सभी 100 लिटिल मास्टर्स के सामने सबसे पहली चुनौती आई कोरियोग्राफी राउंड की, और कोरियोग्राफी राउंड को पार कर 36 लिटिल मास्टर्स क्वालिफाई कर गए सोलो राउंड के लिए, और कल सोलो राउंड को पार कर 6 लिटिल मास्टर्स ऑलरेडी सुपर 16 में जगह बना चुके हैं। और कौन कौन से 10 लिटिल मास्टर्स गोल्डन सुपर विंग्स जीत पाएंगे पता चलेगा आज। तो वेलकम टू द फाइनल ऑडिशंस ऑफ नॉर्थ सूपी नूडल्स DID लिटिल मास्टर्स 2 रिटर्न ऑफ डांस के बाद। पता है क्या सबसे सुपर डांसर कहाँ से हुए? कोलकाता सबसे स्वीटेस्ट जगह है, और यहाँ से सबसे ज्यादा सिलेक्ट होंगे, क्योंकि जो स्वीट होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। मुंबई के डांसर सगळ्यात चांगले असतात। देख लेना, सब दिल्ली के ही सिलेक्ट होंगे, तो मुझे लगता है मुंबई से ज्यादा सिलेक्ट होने वाले। सब लोग दिल्ली से ही सिलेक्ट होंगे। मुंबई से सबसे बेस्ट डांसर्स होंगे। सबसे ज्यादा लोग कोलकाता से ही सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। मेरा नाम रिमशंबर है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ, और मैं 8 ईयर्स की हूँ। अगर मैं टॉप 16 में आ गई और मेरे घर वाले और जो भिलाई के लोग हैं वो बहुत खुश होंगे। अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो मैं टॉप 16 में सिलेक्ट हो जाऊंगी और गोल्डन विंग्स लेके ही जाऊंगी। ओह, रेडी म्यूजिक। रिमशंबर अभी अंदर परफॉर्म कर रही है, कैसा लग रहा है? टेंशन हो रही? टेंशन तो हो रहा है मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत अच्छा करेगी। वाओ, थैंक यू। आपके डबल पिरुएट्स, स्प्लिट्स, स्कॉर्पियन, आह, यू नो द वे यू लिफ्टेड योर लेग एंड यू हेल्ड इट, सुपर्ब। थैंक यू सर। व्हाट डू यू थिंक? शी इज प्रोडिजियस, रियली सुपर टैलेंट। थैंक यू मैम। Absolutely fantastic. With so much ease and grace and beautiful expression. Really fabulous. Thank you. Limsha? Yes sir. आप करिश्मा जैसा डांस कर सकते हो? मैम आप मेरे साथ करोगे तब? अरे ब्रिलियंट, ये तो होना ही चाहिए। ओके।
have to say कि it's such a pleasure आपको इस तरह से देखकर please आप कभी भी इस industry से छुट्टी मत लीजिए please. No, thank you so much. Thank you for all the love and affection. Really, thank you. बहुत अच्छा डांस किया आपने. Okay, so हम आपको results थोड़ी देर में देंगे. All the best. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं टॉप 316 में आ गई हूँ. मैं अभी सोलो ग्राउंड भी बहुत अच्छा करूँगी. Oh my God, God, who's doing these hairstyles? Roll sound. Oh yo. लक्षिका, करंट लग गया मुझे, करंट. क्या झटके थे आपके, क्या बेली डांसिंग किया आपने, ये कहाँ से सीखा? सोमनाली मैम ने मुझे सिखाया. लेकिन आपको ये एक्सप्रेशंस और ये कितनी बार आपने ऐसे आंख मारा? ये लक्षिका, ये आंख किसके लिए मारी थी पहले फटाफट बता दो. सोमनाली मैम ने बीच बीच में डाला था. आप कितने साल की? 5 years की. My God, और आप इतना अच्छा करती है. लक्षिका, आपका रिजल्ट हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे, ठीक है? लेकिन आपने बहुत अच्छा डांस किया. ओके, थैंक यू फॉर कमिंग. बाय बाय. बाय बाय बेबी. उस तरह मुझे लगता है क्या मुझे गोल्डन विंग्स मिलने वाले. मुझे गोल्डन विंग्स मिलेंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छा डांस किया था और जजेस को बहुत अच्छा लगा. और अब बारी है लिटिल मास्टर्स रिमशा और लक्षिका के रिजल्ट्स की. रिमशा एंड लक्षिका. लक्षिका, आप बहुत क्यूट हो लेकिन आप में थोड़ा और वक्त है. हाँ. एंड रिमशा, जो डांस आपने किया और जिस तरह से आपने किया, yes, sir. वो बहुत ही कमाल धमाल बेमिसाल था. थैंक यू सर. तो जल्दी आइए और आपके गोल्डन सुपर विंग्स ले लीजिए. मैंने डीआईडी सीजन 1 जब देखा था लिटिल मास्टर, तो मैंने 2 के लिए तैयारी रिमशा को सोच ही किया था मैंने, और आज मेरा सपना पूरा हुआ. थैंक यू सो मच. क्या बात है. सो आई थैंक यू रिमशा. मुझे गोल्डन विंग्स नहीं मिला, मुझे ये गिफ्ट मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. रिमशा जितनी छोटी सी दिखती है आपको, शी इज फुल धमाका क्योंकि फ्लेक्सिबल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. स्टंट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. वो लड़की ऐसा बहुत कुछ कर जाती है जो आप कभी सोच नहीं पाओगे. वंडरफुल डांसर, ग्रेट टैलेंट टू हैव ऑन द शो. एंड मोस्टली इफ यू सी हर, शी इज गॉट अ वेरी वेरी नाइस सेंस ऑफ बैलेंस एंड लाइन. सो एक डिफरेंट काइंड ऑफ डांसर कंपेयर्ड टू द अदर वन दैट यू हैव सीन सो फार.
अगले कंटेस्टेंट प्लीज स्टेज पर आ जाइए। एक बार कुछ होता है, ये पूरे गाने में दबंग कहाँ से आ गया? पहले बम बम बोले, हाँ? बच्चा था, हाँ? लॉक करा, हाँ? फिर बड़ा हुआ, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, फिर मैं दबंग बन गया। अच्छा अच्छा, सो बुड्ढा होएगा तो क्या होएगा? बुड्ढा होगा तेरा बाप। ये मेरे को बात नहीं समझ में आती है उड़ी बाबा, सब बच्चे आपसे ऐसे क्यों बात करते हैं? पता नहीं यार, इन लोगों के पास मेरे से ज्यादा जवाब कैसे होते हैं वो मेरे को नहीं पता। मैं अपनी कुल्हाड़ी पे पैर मारता हूँ। आपने बराबर बोला है, अपने कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता हूँ। बेटा मैं इनकी कुल्हाड़ी इनके अब सही जगह पे मारूंगी, तब तक आप अपने रिजल्ट का इंतजार करें। ओके बेटा, कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं या पैर को कुल्हाड़ी पे मारते हैं? सॉरी, पैर को कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी को पैर पे मारते हैं। पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, बोल। हाँ नहीं, कुल्हाड़ी मारते पैर पे, पैर कुल्हाड़ी पे मारते हैं नहीं, अपने आप से अपने अपने। नाइस, नाउ दैट ही इज कंफ्यूज्ड, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। मानसी खूप छान केलंस, ओके? रिझल्ट मी नंतर सांगते, ओके? और अब बारी है लिटिल मास्टर्स उदय और मानसी के रिजल्ट्स की। मानसी और उदय, मानसी आपका रिजल्ट यह है कि आपने बहुत अच्छा नाचा, बट अनफॉर्चुनेटली मानसी बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपसे भी, तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको गोल्डन सुपर विंग्स नहीं दे सकते इस बार। सिर्फ वो मैं प्लस माइनस 1 or 2 मार्क्स की वजह से, बट यू आर ऑलमोस्ट देयर, सो डोंट लूज होप। आपने सिल्वर सुपर विंग्स पाया, दैट आल्सो इज क्वाइट बिग, ओके? सो नेक्स्ट ईयर गोल्डन सुपर विंग्स, ओके? उदय तो बच्चा है लेकिन बदमाश बच्चा है ना? नहीं, अगर आप मास्टर मर्जी से ऐसा बात करोगे तो देन आई डोंट थिंक। नहीं, मैंने उनको नहीं कहा। तूने कहा? मैं मूवी देखा। हाँ? मूवी देखा मैं। तुझे जरूरत ही नहीं है ना गोल्डन सुपर विंग्स की, तू तो इतना स्मार्ट है, तू दबंग हो गया यार। बाहर हुआ था तो मैंने डिसाइड किया था मैं क्या करूं। सर एक बार करनाल में वर्कशॉप लेने आए थे, मैंने सर को बोला कि सर प्लीज, तो हर संडे सर दिल्ली से मेरे पास आते थे, आज उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। नेक्स्ट प्लीज। आपका चिड़चिड़ हुआ डांस देखा? आपको चिड़चिड़ के बारे में कैसे पता? मुझे सब पता है। आपके मम्मी के चिड़चिड़ के बारे में जानती हैं? मम्मी चिड़चिड़ नहीं करती अभी। वाओ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फियर्स,
और आपके जो एक्सप्रेशंस थे और जो मूड, वाओ बहुत ही अच्छा था। अपने सारे वर्डिंग्स गाए, आपको कुछ समझ में आया? आप क्या गा रही थी? हाँ मैम, मैंने राइट वर्डिंग्स गाए। हाँ जी, बट मुझे उसका मीनिंग नहीं मालूम। बहुत अच्छा डांस किया आपने। ओके, सो हम आपको रिजल्ट्स थोड़ी देर में देंगे। ऑल द बेस्ट। श्रेया आचार्य एंड काम्या भावसर, यश रावल, यश ढिलन, गोल्डन सुपर विंग्स जिनको हम दे रहे हैं वो है यश ढिलन। लिटिल मास्टर्स सुपर 16 में शामिल हो चुके हैं वो तो काफी खुश हैं। लेकिन जिन लिटिल मास्टर्स का परफॉर्म करना अभी बाकी है उन्हें खुशी तभी मिलेगी जब वो अपने बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स से अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा टबल कॉम्पिटिशन है, मुझे पूरे कॉम्पिटिशन में खाली फैजल कॉम्पिटेट लगता है। मेरा कॉम्पिटिटर है रोहन, वो बहुत अच्छा डांस करता है। मेरा टफेस्ट कॉम्पिटिशन है ये भी बहुत अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन मैं इनसे भी आगे निकलना चाहता हूँ। मेरा टफेस्ट कॉम्पिटिशन है DID। नेक्स्ट लिटिल मास्टर आइए प्लीज। डांस ही मेरा पैशन है और मैं डांस के अलावा कुछ भी नहीं करना। मेरा सपना है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डांस कोरियोग्राफर बनूं। वैसे तो हर बच्चा अपने पिता से इंस्पायर होता है, शायद मैं ही एक ऐसा पिता हूं जो अपने बच्चे से इंस्पायर हुआ हूं। मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है ना मम्मी? और मेरा बेटा दुनिया का सबसे हैंडसम बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे गर्व महसूस हुआ कि मेरा बच्चे को इतना अच्छा मान सम्मान मिला। जब गीता माँ ने कहा कि उनका बच्चा मेरे बच्चे की तरह होए तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। बहुत ही अपने आप को बड़ी समझ रही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टॉप 100 में आ चुका हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे गोल्डन सुपर विंग्स भी मिल जाए। आओ आओ, म्यूजिक। मैं डांस नहीं छोड़ने वाला, अब कितना भी कुछ कह लो। अब आप ही इन्हें को समझाओ कि आप ही मेरी जिंदगी हो, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? चुनू
सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन आज जो अभी मैंने देखा है ना, हैट्स ऑफ, मजा आ गया। मक्खन 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 एंड बियॉन्ड। थैंक यू करिश्मा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा करिश्मा। यू नो जब ये ऑडिशन में आया था और उसने नाचा था, तब हमारी जो मास्टर जहाँ पे आप बैठी हैं, शी वॉज इमोशनली चोक्ड। एकदम आप रो क्यों रहे हैं? मैं जान सकता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा। एंड जिस तरह से आप नाचते हो ना, थैंक यू सर। फैजल आप क्या हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो यार, सुपर, यू आर आउटस्टैंडिंग। और जो आपके फेस पे सिंसियरिटी एंड फीलिंग और इमोशन, डांस, प्रिसिशन, सब कुछ, क्या बात है। कमकुआ मैम साहब, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट टू यू। नेक्स्ट प्लीज। मेरा नाम रोहन है, मैंने बॉम्बे से ऑडिशन दिया था। हम कोरियोग्राफी ग्राउंड में मिले यहाँ पर, और ये ऐसे ऐसे करता है, कर दे रहा। मैंने बोला कितना अच्छा करता है, तो ऐसे ऐसे करते करके दोस्त हो गया। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। फैजल सबसे फ्रैंक रहता है, बहुत मस्ती करते हैं हम दोनों। दिन दिन भर हो प्यारी बातें। हमने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए, हम आगे भी ऐसे ही मेहनत करके जाएंगे। हम दोनों टॉप 16 में आगे रहेंगे। चाहता है रोहन, म्यूजिक। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं है, कोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है, धड़क रहा है दिल सांसों में तू, होठों पे नगमे हैं, आंखों में सपने हैं, सपनों में भी देहों है सारे वो लम्हे हैं। कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पानी है, कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर। उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम गमे तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से खुलने लगे, खाबों के दर जैसे आंखों में खुलने लगे, खाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, खाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, खाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश, जो आया मुझे मैंने देखा मैंने जाना, वो जो कभी आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जाग चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा, ना तो कोई अरमा है ना कोई तमन्ना है ना कोई सपना है, जो मेरे दिन रोहन। यस सर। क्विक स्टाइल। यस सर। काफी क्विक था। थैंक यू। सो रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके, बट वेरी नाइस डांसिंग। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। और अब बारी है लिटिल मास्टर्स फैजल और रोहन के रिजल्ट्स की। कोरियोग्राफी राउंड से शुरू हुई फैजल और रोहन की दोस्ती क्या डांस के सबसे बड़े मंच तक पहुंचेगी? बहुत डर लग रहा है, जैसे जैसे लोग अंदर जा रहे हैं हम आगे आते जा रहे हैं, वैसे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जजेस को हमने इम्प्रेस तो किया है मगर अभी जजेस के ऊपर है कि हमको वो गोल्डन सुपर रिंग्स देंगे या नहीं। मैं बहुत नर्वस हूँ, अभी नंबर आने वाला है, नेक्स्ट मेरा ही है, देखते हैं क्या होता है जजेस के ऊपर जो भी है। एक को तो आगे जाना ही है आप में से, है ना? और उसका नाम है मेरी बात चलते
एक्सप्रेशन फैबुलस मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो मेरी लता भर से झर 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 नाचे चमक चमक वो बिजली दीवानी। एक बात बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। टन 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 टाना आधी एक का 911 911 आपकी घड़ी 911 पे चलती है। Soupy Noodles, DID Little Masters 2, Return of Dance Kebab. और अब बारी है Little Masters, Faisal और Rohan के results की. Choreography round से शुरू हुई Faisal और Rohan की दोस्ती क्या dance के सबसे बड़े मंच तक पहुंचेगी? Faisal और Rohan? Yes, ma'am. मैंने सुना आप बहुत अच्छे दोस्त हो गए. अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों आगे चले गए और इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं तो आप दोनों में से लिटिल मास्टर्स जीतना कौन चाहता है? दोनों ही हासिल करेंगे. दोनों नहीं बेटा, विनर एक ही होता है ना. मैं तो चाहूँगा. आप चाहते हो? मैं भी. अच्छा तो यानी कि दोस्ती अपनी जगह, कॉम्पिटिशन अपनी जगह, एक को तो आगे जाना ही है आप में से, है ना. और उसका नाम है फैजल. कंग्रेचुलेशंस फैजल, गोल्डन सुपर विंग्स आपको मिलते हैं. क्या कहा था? हिम्मत नहीं हारते रोहन, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके कोई बात नहीं. ओके कोशिश करते रहना. और आप क्यों रो रहे हो फैजल? आपको तो गोल्डन सुपर विंग्स मिले हैं. इसको नहीं मिले इसलिए बुरा लग रहा है. इसके लिए बुरा लग रहा है. तो फिर रोहन को तो गोल्डन सुपर विंग्स देने चाहिए ना हमको, ताकि आप ना रोए और ताकि आप दोनों की दोस्ती बरकरार रहे. लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? और सुपर 16 में रोहन आप जल्दी आइए और ले जाइए. दोस्ती पुरानी या नई नहीं होती, वो तो सिर्फ फैजल और रोहन के रिश्ते जितनी गहरी होती है और सिर्फ इसी एहसास में सिमटी होती है. दोस्त डूबा तो हम डूबे, दोस्त पार हुआ तो हम पार हुए. छोटी उम्र की इन बड़ी बातों को समझ पाना अक्सर हम बड़ों के बस की बात नहीं होती. क्या दोस्ती है यार. Can you imagine? Awesome. This age they know that feeling. Bonding, it's beautiful. Bonding. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम टॉप 16 में, इंडिया के टॉप 16 में सेलेक्ट हो चुके हैं. मुझे लगा था कि मैं सेलेक्ट नहीं होगा, मगर मैंने जजेस को इम्प्रेस किया और मैं सेलेक्ट हो गया और साथ साथ मेरा दोस्त भी सेलेक्ट हो गया. सुपर 16 में सिर्फ चार लिटिल मास्टर्स की जगह बची है, जिसमें से एक और कम करने का इरादा लिए आ रही हैं कोलकाता की शालिनी.
इसका जो एक्सप्रेशन है वो तो इसका खासियत है। तुम्हारी महफिल में आ गई तो क्यों ना हमने भी काम करे। आप बहुत अच्छा नाचते हो और आपको आज देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए बेटा। इधर जो देखो सलाम कर ले। मैं जब स्टेज में जाऊंगी तब पूरा एनर्जी पूरा डालूंगी। मुझे लगता है कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है और मैं सिलेक्ट होकर आऊंगी। एंड म्यूजिक। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, जो कही गई न मुझसे, जो कही गई न मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है कि फसाना। क्या बात है। मैं सिर्फ आपके एक्सप्रेशंस देख रही थी क्योंकि इतने खूबसूरत लगे मुझे। बहुत बहुत मिठास, लवली ब्यूटीफुल डांसिंग। थैंक यू मैम। आप इतना अच्छा नाची, गीता माँ चाहती कि वो आपको घर लेके जाएं। अभी भी उन्होंने कहा मुझे कान में। सच्ची शालिनी, मैं आपको अडॉप्ट करना चाहती हूँ, अपने पास ही रखना चाहती हूँ। इतनी खूबसूरत नाचते हो आप। आई लॉस्ट फॉर वर्ड्स एक्चुअली। मैम मैं आपके घर जाऊंगी। आप चलोगे मेरे साथ? मैं परमानेंटली रख लूंगी आपको, मैं पहले बोल रही हूं। मैं जाने नहीं दूंगी फिर वापस। नहीं, मम्मी को तब दुख होगा ना। तो फिर मैं नहीं लेके जा सकती हूँ ना आपको। शालिनी, रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो तो आपको भी पता है, लेकिन गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अगले कंटेस्टेंट को भेजिए प्लीज। बहुत अच्छा डांस किया आपने। थैंक यू। लेकिन रिजल्ट्स के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है। हो सके तो हम दोनों को भी गोल्डन विंग्स मिल जाए। और अब बारी है लिटिल मास्टर्स शालिनी और वैष्णवी के रिजल्ट्स की। शालिनी और वैष्णवी, आप लोग दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया आज, लेकिन आप दोनों का परफॉर्मेंस देखने के बाद आप दोनों में से सिर्फ एक ही है जिसे गोल्डन सुपर विंग्स मिलेंगे। और जिसे गोल्डन सुपर विंग्स मिलेंगे उनका नाम है शालिनी मौर्या। जो मुझे
मुझे गोल्डन सुपर रिंग्स मिला है और मुझे दुख भी हो रहा है क्योंकि मेरी फ्रेंड आउट हो गई है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पूरे धूम धड़ाके से। वो आपको मजबूर कर देती है कि आप आपका ध्यान ना भटके उनसे, आपकी नज़र आपका फोकस सीधा शालिनी पे चला जाता है। एंड आई थिंक एक परफॉर्मर के लिए इससे अच्छी अचीवमेंट और हो नहीं सकती है कि आप सबका ध्यान अपनी तरफ बटोर के यू नो यू कीप इट फॉर योरसेल्फ। मैं उसको बहुत आगे तक जाते हुए देखना चाहती हूँ। आई थिंक शी हैज़ द पोटेंशियल टू डू दैट। एक बात बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। टंटन आटन टंटन टाना आदि ये का 911। 911 आपकी घड़ी 911 पे चलती है। हाँ। सुसंकेत और रोहन, मैं पहले उनका नाम लूंगी जो इस कंपटीशन में अब आगे नहीं बढ़ सकते। वेलकम बैक टू द फाइनल ऑडिशंस ऑफ नॉर सूपी नूडल्स डीआईडी लिटिल मास्टर्स 2 रिटर्न ऑफ डांस के बाद अब बारी है लिटिल मास्टर सुसंकेत के परफॉर्मेंस की। मेरा नाम सुसंकेत मिश्रा है। मैं पिछली बार पे आया था डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 1 में। जो सुपर 16 में शामिल होंगे उसका नाम है शुभम। सुसंकेत ने पिछली बार जब 16 राउंड में आउट हो गया था तो उसको बहुत बुरा लगा, वो बहुत रोया, मेरे को भी बहुत रोना आया। इस बार मैं टॉप 36 में आ चुका हूँ। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि टॉप 16 तक आना और गोल्डन सुपर विंग्स सर से ले जाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगला परफॉर्मेंस मेरा है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वसनेस भी लग रहा है। रेडी साउंड। हे मिट्टी पे खींची लकीरें, रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल, मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सौदापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली, हवा के संग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जल तरंग, कोई लहर लहर चली। मेरे को तो 100% लग रहा है क्योंकि वो पूरा बहुत जोर से प्रैक्टिस करके आया है पूरा। हाय सर। हाय सर। कौन सा सर? हाय। आप दोनों का हाय। मैम। हाय मैम। एक बात बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। टंटन आटन टंटन टाना आदि ये का 911। 911 आपकी घड़ी 911 पे चलती है। हाँ। सुसंकेत आप क्लासिकल डांसर है। हाँ। फैबुलस। थैंक यू। फैबुलस, वेरी गुड। सुसंकेत। यस मैम।
आज आप मुझे भूल गए। हेलो सर बोल दिया, हेलो मैम बोल दिया। अब दोनों को बोला ना। अच्छा तो इनको ही बोला आती के 9 से 12। हाँ, दोनों नहीं, को नहीं, अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये हम हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। ठीक हाँ, है ना हाँ, रिजल्ट के साथ साथ हाँ। तो जाता क्यों नहीं फिर जल्दी जल्दी रोहन, बहुत बहुत अच्छे डांस किया आपने। थैंक यू सर। रिजल्ट्स आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ऑल द बेस्ट बेबी। गुड जॉब। गॉड ब्लेस यू। और अब बारी है लिटिल मास्टर्स सुसंकेत और रोहन के रिजल्ट्स की। संकेत और रोहन, दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हो, दोनों ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं पहले उनका नाम लूंगी जो इस कंपटीशन में अब आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, जिनका नाम मैं ले रही हूँ अभी वो हैं रोहन। आई एम रियली सॉरी बेटा। ओके, आपके लिए गोल्डन सुपर विंग्स इस साल नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले साल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट बी अपसेट। ओके, नो रोना धोना। वेरी गुड बॉय, आई लाइक इट। और सुसंकेत, वेरी वेरी सॉरी बेटा, लेकिन हम आपको फिर से झेलेंगे। आइए और गोल्डन सुपर विंग्स प्लीज ले जाइए। संकेत सीजन 1 में भी आए थे लेकिन सुपर 16 में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। फाइनली इस बार उनके सुपर विंग्स सुनहरे हो गए हैं। यस, मुझे ज़िप ज़ैप ज़ूम, मुझे गोल्डन सुपर विंग्स मिल गया। ओह सुसंकेत, कैसा लग रहा है आप फाइनली हमारे सुपर 16 में आ चुके हैं? मैं बहुत 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 ही खुश हूँ। सुसंकेत, पहले ऑडिशंस में एक दूसरा स्टाइल, दूसरे ऑडिशन में एक दूसरा स्टाइल, मेगा ऑडिशन में क्लासिकल। आई थिंक वो टैलेंट का भंडार है, अगर उसे सही राह दिखाई गई तो ही शुड बी अ गुड पोटेंशियल फॉर द शो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम सब कुछ एक साथ करते हैं। मैं इसकी हेल्प करती हूँ, ये मेरी हेल्प है। हम दोनों टॉप 36 में तो सेलेक्ट हो गए हैं, पर अभी हमें गोल्डन विंग्स लेके ही जाना है। Ready, sound. बेस्ट फ्रेंड श्रेया ने बहुत अच्छा डांस करा है और वो जरूर सिलेक्ट होगी। श्रेया, यस मैम, घुंघरुओं का वजन बहुत ज्यादा है है ना? Yes, बहुत हैवी है ना? यस मैम। और कैन यू बिलीव इट, लुक एट द वेट ऑफ द घुंघरुज़ इन अ लेग। और जो आपने इतने स्पिन मारे है ना, हैट्स ऑफ।
Very elegant, very beautiful. जो भी आपने अभी किया वो बहुत बहुत प्यारा था. थैंक यू मैम. ओके, गॉड ब्लेस यू. रिजल्ट थोड़ी देर में. ओके ओके बेटा. ओके, नेक्स्ट प्लीज. तेजस्वी, और मेरे लिए टॉप 16 में सेलेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि तेजस्वी के भी मम्मी पापा का सपना और मेरे भी मम्मी पापा का सपना रहा कि हम दोनों टॉप 16 में आए और अपने सहारनपुर का नाम रोशन करें, अपनी मम्मी पापा और मैम का भी नाम रोशन करें. रेडी? ओके एंड साउंड प्लीज. तेजस्वी, अच्छा नाचा. रिजल्ट हम जरूर जल्दी बताएंगे. ओके, थैंक यू. श्रेया और तेजस्वी परफॉर्म कर चुकी है और अब बारी है उनके रिजल्ट्स की. दोनों सहारनपुर से आई हैं और दोनों की टीचर भी एक है जो फिलहाल टेंशन में दिख रही हैं. जिस सिटी से हम लोग हैं उस सिटी से इस मुकाम तक आना एक बहुत बहुत बड़ी बात है. शायद मेट्रोज के लिए बहुत कॉमन चीज होगी, हम लोग के लिए कॉमन. कहाँ से आए आप? सहारनपुर, यूपी. श्रेया, तेजस्वी, आप बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? यस सर. सेम सिटी से हो? यस सर. आपके डांस टीचर भी सेम है? यस सर. करेक्ट. आप दोनों ने बहुत अच्छा किया लेकिन आज आप दोनों में से एक ने थोड़ा ज्यादा अच्छा किया दूसरे से. सो हम जिसे गोल्डन सुपर विंग्स देंगे वो है श्रेया. परफॉर्म करती है, सबका डे होता है. आज उसका डे नहीं था, आज मेरा डे था. कल उसका डे होगा, कल मेरा डे नहीं होगा. सो इस बार नहीं सेलेक्ट हुई तो क्या हुआ, अगले टाइम जरूर होगी सेलेक्ट. दो सहेलियों में से एक आगे बढ़ी तो दूसरी को ये पता चल गया कि अगले साल किन कमियों पर काम करके वापस आना है. और यकीनन तेजस्वी की वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी क्योंकि उनके साथ इतनी अच्छी टीचर जो है. नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ईयर तेजस्वी आएगी और ज्यादा अच्छे से तैयारी करके. हाँ, मैं जरूर आऊंगी नेक्स्ट टाइम और अपना बेस्ट दूंगी. मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा इससे भी फाड़ू. हाँ, गुड, ये एटीट्यूड होना चाहिए. रुकना नहीं हमें, एक पल फिरा हमें. चुन्नू ने बोला अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम चलना है हमको तो मंजिल की चाह में. नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आऊंगा और सुपर 16 में जाऊंगा. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और टॉप 16 में लगा होंगे. आएंगे हम लोग फिर से. पक्का आएंगे ना? कब? हां पक्का. टूटेंगे ना हौसले Yeah.
आपको याद होगा कोलकाता ऑडिशंस में लिटिल मास्टर जीत दास का परफॉर्मेंस। मैं फाइनल ऑडिशन पे नहीं गया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हमें पता चला अनफॉर्चुनेटली कि उसे ब्रेन फीवर हुआ है। मुझे राघव की टीम में जाना है। हम दोनों भी राघव सर के टीम में जाना है। मुझे श्रुति दी के टीम में जाना है और उनके साथ मुझे हर तरह का डांस फॉर्म सीखना है। मैं नीरव भैया का टीम पे जाना चाहती हूँ। नीरव सर वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। मुझे प्रिंस भैया की टीम में जाना है। प्रिंस भैया पॉपिंग मस्त करते हैं। जो स्किपर मास्टर बोलेंगे हम उसी के पास जाएंगे। अब बात आती है स्किपर्स की। आप सब तो जानते हैं कि हमारे स्किपर्स कौन हैं, लेकिन हमारी जनता अभी तक नहीं जानती। तो इंट्रोड्यूस करा ले फटाफट। Welcome back to the final auditions of Nor Soupy Noodles, DID Little Masters, Return of Dance Ke Baad. Lights. Soup Sana. आपको याद होगा कोलकाता ऑडिशंस में लिटिल मास्टर जीत दास का परफॉर्मेंस। मास्टर्स सहित सारी जनता का दिल इन्होंने जीत लिया था। मर्जी गीता माँ, मैं इसको घर लेके जाने का। I want to adopt him. He's too cute. लेकिन फाइनल ऑडिशंस में जीत दास नहीं आ पाए। मैं फाइनल ऑडिशन पे नहीं गया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं पता चला अनफॉर्चुनेटली कि उसे ब्रेन फीवर हुआ है। आई जस्ट प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। और अगर ऐसा जल्दी हो जाता है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं उनको वाइल्ड कार्ड में देखूंगी। मास्टर्स उन्हें वाइल्ड कार्ड स्पेशल में परफॉर्म कर डांस के सबसे बड़े मंच पर आने का मौका दे रहे हैं। ये पूरे देश ने और जनता ने जिन्होंने देखा है उनके ऑडिशंस को, I think they'll all pray with me for his speedy recovery. मैं वाइल्ड कार्ड राउंड में जरूर परफॉर्म करूंगा, मेरा तबीयत ठीक रहेगा तो। Hello, Karishma ji, कैसे हैं आप? Well, finally, it was a long day. Finally, हमें हमारे Super 16 मिल चुके हैं। अब बात आती है skippers की। आप सब तो जानते हैं कि हमारे skippers कौन हैं, लेकिन हमारी जनता अभी तक नहीं जानती। तो इंट्रोड्यूस करा ले फटाफट। तो हमारे पहले DID Little Master के skipper हैं Prince Gupta. Congratulations, Prince. और इनकी टीम का नाम है प्रिंस की पलटन। हमारे दूसरे स्किपर हैं कृति और इनकी टीम का नाम है कृति के क्रैकर्स। Oh my God. और अब हमारे तीसरे स्किपर हैं नीरव। नीरव की टीम का नाम है नीरव के निंजा। अरे क्या बात है, नीरव के निंजा। और हमारे चौथे स्किपर हैं राघव की टीम का नाम है राघव के रॉकस्टार। हो जाए हमारे चारों स्किपर्स के लिए। और अब सबसे डिफिकल्ट काम आप तीनों को करना होगा, डिवाइड करना होगा हमारे बच्चों को अलग अलग टीम में। ये बंटवारा। तो अब मैं एक एक करके ग्रुप्स को भेजते रहूंगा और आप डिवाइड करते रहें। जरूर। थैंक यू सो मच। मुझे राघव की टीम में जाना है। हम दोनों भी राघव सर के टीम में जाना है। मुझे श्रुति दी के टीम में जाना है और उनके साथ मुझे हर तरह का डांस फॉर्म सीखना है। मैं नीरव भैया का टीम पे जाना चाहती हूँ। नीरव सर वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। मुझे प्रिंस भैया की टीम में जाना है। प्रिंस भैया पॉपिंग मस्त करते हैं। जो स्किपर मास्टर बोलेंगे हम उसी के पास जाएंगे। और अब बारी है टीम डिवीजन की। सुपर 16 लिटिल मास्टर्स में से कौन कौन किसके टीम में जाएंगे इसका फैसला कर रहे हैं हमारे मास्टर्स। पहली टीम है कृति के क्रैकर्स।
दूसरी टीम है नीरव के निंजा, तीसरी टीम है राघव के रॉक स्टार्स और चौथी टीम है प्रिंस की पलटन। ऑल द स्किपर्स, आप चारों के चारों, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई थिंक अभी शो आपके हाथों में है। आप बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन कीजिए एंड मेक देम रॉक। यू गाइज हैव रॉक्ड अर्लियर और अब इनसे करा दीजिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट ऑन टीवी। ऑल द बेस्ट। सो वेल सेड। हम आपको आपके फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। सुपर डुपर हिट हो बिल्कुल आपकी तरह और आपके दिल की तरह जो एब्सोल्युटली लविंग है। अब आप हमें अप क्लोज एंड पर्सनल दिखेंगे एक्चुअली ऑन स्क्रीन। जैसे 3D बहुत ही पॉपुलर हो चुका है वर्ल्ड वाइड और अब देयर हैज नेवर बीन अ वुमन सेंट्रिक हिंदी पिक्चर जो 3D में बनी है। करेक्ट। तो आई होप द ऑडियंस एंजॉयज इट। कई जन्म लग जाते हैं सच्चा प्यार पाने में, एक पल लगता है उसे खो देने में। संजना! कोई था जो उन्हें अलग करना चाहता था, क्यों वो जानना चाहती थी। जवाब छिपा था उसके कई जन्मों में। ऐसे नन्हे सितारे जिनके सामने बड़े बड़े लगते हैं बिचारे। 16 लिटिल मास्टर्स। फैजल, दी, न्याना, ओ, प्रशिता, रिमशा, ऋषि, रोहन, सौम्या, शालिनी, शिवम, श्रेया आचार्य, सुसंकेत, उदय, यश, श्रेया सिंगल, यानी डांस के बाप। 4 स्किपर्स यानी डांसिंग स्टार्स जिनके हुनर के दीवाने हैं आप। आपके फेवरेट मास्टर्स, मास्टर गीता, मास्टर मर्जी। तो फिर मिलते हैं DID लिटिल मास्टर्स 2 के ग्रैंड प्रीमियर में।